हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ 2019 जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की जीडी की कट ऑफ के बारे में जम्मू एंड कश्मीर की। तो एसएससी जीडी का जो मेडिकल जो स्टूडेंट क्लियर कर चुके हैं तो वो अभी सोच रहे होंगे कि उनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको जेएनके की कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो एकदम जो है वो एक्जैक्ट कट ऑफ होने वाली है, क्योंकि मैंने 2015 की कट ऑफ को भी देखा है और उसी के बेसिस में मैं आपको जो है वो कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की कि जेएनके में कितनी वैकेंसीज थी और मेडिकल के लिए कितने स्टूडेंट जो थे अवेलेबल थे। तो बात करें वैकेंसीज की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं जहाँ पे जे एंड के की मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी थी 412 और कैंडिडेट्स थे 1238। तो अब जहाँ पे देख सकते हैं भाई फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी 43 और कैंडिडेट्स थे 88। तो अगर हम जहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 1238 को, अगर हम मान लेते हैं 1238 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे मेडिकल के लिए और इनमें जो है वो 60% जो है वो मेडिकल क्लियर कर चुके हैं। तो अगर हम इसका 60% निकालते हैं तो जहाँ पे इसका हम 60% निकालते हैं तो 742 स्टूडेंट जो है वो कुछ निकल के आते हैं मेडिकल क्लियर करके। तो जहाँ पे आपको अगर आप वैकेंसीज की बात करें तो बहुत ही 412 और स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं 742। और हम इसको डिवाइड करें तो यानी कि 1.80 यानी कि 100 वैकेंसीज पे 180 जो है वो कैंडिडेट अभी भी अवेलेबल हैं। तो इसी के बेसिस पे मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ जेएनके की कि कितनी जाने वाली हैं। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर आप जो है वो जनरल कैटेगरी से हो जेएनके से तो आपकी कट ऑफ आपके जो है वो मार्क्स अगर कट ऑफ से 2 मार्क्स भी ज़्यादा हैं, जी हाँ, अगर आपके मार्क्स में वो कट ऑफ से 2 ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के अगर आपके 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसके बाद बात करें एससी की, अगर आपका कट ऑफ से 0.5 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वही बात करें एसटी की, तो अगर आपके कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी मेल की। अब बात कर लेते हैं फीमेल की कट ऑफ की। अगर आपके आप जनरल कैटेगरी से हो, फीमेल हो, अगर आपका 1 नंबर जो है कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हो और आपके जो है वो 0.5 मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा एससी और एसटी के अगर आपका मेडिकल क्वालिफाई है और आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, आपकी कोई भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो बस यही कट ऑफ रहने वाली है जेएनके की। मैं एक बार फिर से आपको जो रिपीट कर देता हूँ, जनरल की मेल कैंडिडेट जनरल की 2 नंबर अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी की 1.5 मार्क्स, एससी की अगर आपके जो है वो कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है और एसटी के अगर आप कट ऑफ से 0.5 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।